हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बाय यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने जो व्हाट्सएप है उससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस जो आपको नहीं भेजने चाहिए और क्या भेजने चाहिए वो सब मैं बताऊंगा, और आप क्या मैसेज भेजेंगे जिसके जरिए आपको जेल हो सकती है। तो ये सभी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन से मैसेजेस हैं जो आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए और क्या मैसेज हैं जो आप नहीं भेज सकते, तो वो सब आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरी जो पिछली वीडियो अगर आपने वो पूरी नहीं देखी तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसको अगर आप आधा दूरस्थ देखते हैं तो इससे आपको हो सकती है जेल, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप से रिलेटेड है और ये व्हाट्सएप ने खुद का ये अपना निकाला है कि अगर कोई ऐसे मैसेज भेजता है तो उससे सीधा जेल होगी और उसका व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा बैन। तो आप ये सुन लीजिए कि क्या क्या मैसेजेस हैं जो आपको नहीं भेजने चाहिए और क्या जो मैसेज जो आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, तो सब मैं आपको स्टेप स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से मैसेजेस हैं जो आपको नहीं भेजने चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर कोई फोटो आती है या कोई वीडियो आती है किसी महिला के नहाते हुए या कोई मतलब अगर कोई निकालता है कोई फोटो अगर निकाल करके शेयर कर देता है व्हाट्सएप पर और वो शेयर पर शेयर होती जाती है और इससे जो जिसकी फोटो या वीडियो बनी होती है लेकिन उसकी बहुत बेइज्जती होती है, तो ऐसे अगर आप फोटो या वीडियो शेयर करते हैं तो इससे क्या होगा, आप जो भी आप शेयर करते हैं जो भी आप चैट करते हैं ये सब जो व्हाट्सएप है इसके पास सारा डाटा होता है, आपने क्या भेजा किसको और क्या भेजा और ये सभी मतलब उसके पास रहता है। और जैसे कोई क्राइम होता है या फिर कोई रिपोर्ट लिखवाता है तो उससे जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर मतलब जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद आप अगर वहाँ पर आपका नंबर शो हो जाता है, यानी कि अगर वो व्हाट्सएप चेक करता है ना आपका डाटा जो है और जितना भी शेयरिंग या चैट ऐड करता है वो सब डाटा उसके पास रहता है व्हाट्सएप के पास, तो वो चेक करता है और उसमें अगर आपका नंबर निकल आता है और आपका मैसेज चेक किया जाता है आपने क्या क्या भेजा है, और वहाँ पर अगर आपका मैसेज आपने कुछ ऐसा भेज दिया है जो आपको नहीं भेजना चाहिए था तो आपको सबसे जेल और आपका जो नंबर है वो किया जाएगा बैन। तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, किसी की भी वीडियो या किसी की फोटो बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा। और अब मैं दूसरे नंबर में बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई फोटो आ जाती है कोई वीडियो आ जाती है जिसमें कि आपने लिखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत ऐसे मैसेजेस जो शेयर होते रहते हैं वायरल होते रहते हैं जिसमें कि किसी की भी फोटो उठा करके एडिटिंग कर दिया जाता है, अब आप अभी पिछले कुछ दिनों की बात है एक बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी जिस फोटो और उसके नीचे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आ गए थे, क्योंकि वो मतलब उन्हें पता नहीं था कि ये मतलब भेजा किसने है वो जो एडिटिंग करके, लेकिन वो जो बंदा था उसे गाली दे रहे थे जो फोटो में दिख रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, उसका किसी ने बना करके एडिट करके जब उस किसी ने शेयर किया था। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई अपना फोटो है आपका, ठीक है, और आपने उस फोटो को कर दिया आपने फेसबुक पे या कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आपने पब्लिश कर दिया डाल दिया है और वहाँ से आपके किसी ने फोटो आपकी चुरा ली है और उस फोटो को एडिट कर दिया, कट करके बैकग्राउंड कट करके एडिट कर दिया है और आपका जहाँ पैर रहते वहाँ पर हनुमान जी को बैठा दिया है और अब उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया ग्रुपों में, तो इससे क्या होगा जो लोग देखेंगे वो आपको गाली देंगे क्योंकि उसमें आप शो हो रहे हो आपकी फोटो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किसी ने एडिट करके भेजा है, तो उन्हें ये लगेगा कि इस बंदे ने ऐसा किया तो इसलिए वो आपको बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इस वीडियो पे और इस फोटो पे रोक लगाया गया है कि ऐसे वीडियोज या फोटोज बिल्कुल भी शेयर ना किए जाए, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बोल सकते जेल और जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वो किया जाएगा बैन, जिसके जरिए आप कभी भी व्हाट्सअप नहीं चला सकते, तो आप ऐसे मैसेज बिल्कुल भी मत भेजिएगा, मत फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर बता दूँ, अगर बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बस दिन भर में वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते रहते हैं और उसके बाद वो एक मैसेज को लेते हैं और सभी ग्रुपों में भेज देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो नंबर है वो किया जाएगा बैन और आपका हो सकती है जेल, आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि अब आपने कोई ऐसा फोटो या वीडियो शेयर कर दिया जो असली है और दूसरों को भावनाओं को ठेस पहुँचाता है, तो ऐसी वीडियो बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा, ओके। और तीसरे नंबर पर मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई व्हाट्सएप पर अगर कोई सौदा करते हैं, मान लीजिए ड्रग्स वगैरह ऐसे कुछ भी आप अगर सौदा करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो उसमें भी आपको सकती जेल और आपका जो नंबर है वो किया जाएगा बैन, जैसे काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कि अगर आप किसी को बार बार मैसेज करके परेशान करते हैं और वो आपको ब्लॉक और रिपोर्ट करता है तो उससे क्या होता है, अगर आपके नंबर पर 20 से 25 अगर रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो ऐसा क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो किया जाएगा बैन और आप कभी भी उस नंबर पर व्हाट्सअप नहीं चला सकते, क्योंकि आपने बहुत लोगों को परेशान किया। तो रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर ये लिखा होता है कि ये जो नंबर है जो भी ये नंबर से व्हाट्सअप चला रहा है वो कभी भी व्हाट्सअप चलाने के लायक ना रहे और इसका व्हाट्सअप का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए वो रिपोर्ट कर देते हैं, तो जिसके जरिए आपका जो नंबर है वो हमेशा के लिए बैन हो जाता है और आप कभी भी उस नंबर से व्हाट्सअप नहीं चला सकते, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, किसी को भी परेशान मत कीजिएगा जिसके जरिए आपका जो व्हाट्सअप नंबर वो हमेशा के लिए बैन हो जाए और आप कभी भी व्हाट्सअप ना चला सकें उस नंबर से, और अगर आपको इससे जेल भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती है जिसके जरिए आपको जेल हो सकती है, तो ऐसे काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
कि अगर आपको कोई मैसेज ऐसे आता है जिसमें कि वीडियोज या फोटोज होती है जिसमें कि आपको शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पर कि इसको आप शेयर कर दीजिए 15 लोगों को, आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, और कोई वीडियो ऐसी आती है तो आप उसे बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे भी मैसेजेस या वीडियोज या फोटोज शेयर करते हैं तो इससे भी आपका नंबर किया जाएगा बैन, और इससे आप हो सकते हैं जेल। ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पर गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इसमें सिर्फ अपनी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब अपने रिलेटिव से आप बात कर सकते हैं, अपने दोस्त फैमिली मेम्बर या किसी से भी आप इनसे बात कीजिए, और बाकी अलावा किसी और से अगर आप करते हैं तो वो आपके नंबर पर रिपोर्ट करेंगे। 20 से 25 अगर नंबर से अगर रिपोर्ट हो जाती है आपके नंबर पर तो आपका नंबर हो जाएगा बैन और आपका व्हाट्सअप कभी भी चलने के लायक नहीं रहेगा। तो आप इन बातों का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और अगर आप बस कोई ऐसी मैसेजेस या वीडियोज आती है तो बिल्कुल भी उसे मत शेयर कीजिएगा, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो तो ऐसी मैसेजेस बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा। और अभी आप 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे, अगर आप टीवी पर देखते होंगे ऐड्स आती है, उसमें एक जो व्हाट्सएप की उसमें भी ऐड डाली गई है जिसके जरिए उसमें समझाया जा रहा है कि गलत फोटो या वीडियो को ऐसे आते हैं मैसेज जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, उसे आप बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप से आपको आती है और उसे आप शेयर कर देते हैं और वो आपके पास जो जिसे आपने शेयर किया वो और लोगों को शेयर करता है तो इस तरह से जिसकी वो फोटो वीडियो होती है तो उसकी बदनामी होती है और उसकी भावना को ऐसे मैसेज बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको भी जेल हो सकती है और आपका जो नंबर है वो बैन किया जाएगा। और इस छोटी सी वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को कब पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आप गलत मैसेज बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा, जो आपको पता ना हो, बिल्कुल भी उन मैसेजों के बारे में नॉलेज ना हो, ऐसी मैसेज आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलता है, अगले वीडियो में नए टॉपिक के वीडियो फिर से लेके आऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहले ही पा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन।